बिग बॉस 13 के शो में दीपिका पादुकोण ने तोड़े सारे कानून। सीरियल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीकेंड के वार के इस बार के एपिसोड में दीपिका ने अपने को एक्टर विक्रांत मेसी के साथ बिग बॉस के घर पहुंच रही है। दोनों ने मिलकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट के साथ एक अनोखा खेल भी खेला। ये खेल है फिल्म जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जैसा, यानी इसमें एक प्रतिभागी को दूसरे प्रतिभागी की तरह एक्टिंग करके दिखानी है। शो के इस एपिसोड के शूटिंग के दौरान मौजूद रहे सूत्र बताते हैं कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट को दो टीमों में बांट दिया गया था। टीम ए में थे सिद्धार्थ, रश्मि, पारस और माहिरा और टीम बी में थे विशाल, मधुरिमा, शहनाज और आरती शेफाली को रखा गया था। दोनों टीम को दिलचस्प टास्क दिया गया था जिसके मुताबिक उन्हें एक्टिंग करके दिखानी थी। सबसे दिलचस्प रही टीम बी। दीपिका ने टीम बी को विजेता घोषित कर दिया, यानी टीम बी में विशाल, मधुरिमा, शहनाज, आरती और शिफाली को विजेता घोषित कर दिया। और इसके बाद बिग बॉस के सेट पर जो हुआ वो बिग बॉस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दीपिका ने आनन फानन विजेताओं को एक इनाम का ऐलान कर दिया और ये इनाम है दीपिका के साथ टीम बी को बिग बॉस के घर से बाहर निकलने का मौका। टीम बी ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और दीपिका के साथ बिग बॉस के घर से बाहर निकलकर खूब मस्ती की। ये दीपिका का फैसला आनंद फानन विजेताओं के लिए इनाम था। आप देखना ये होगा कि सलमान खान इस टास्क के विजेता के बारे में और दीपिका के बारे में अपनी राय क्या देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।